अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं सैयद अतर अहमद, माबीन मुदर्रिस, जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल जामठी, तालुका कोतवड़ से। बच्चों, अगर आपके पास 2 रुपये हैं और आपके अप्पू ने आपको मजीद 2 रुपये दिए, तब आपके पास कुल कितने रुपये होंगे? जी हाँ, शाबाश, आपके पास कुल 4 रुपये होंगे। बच्चों, यहाँ 2 रुपये बढ़ाने या 2 रुपये मिलाने के इस अमल को हम जमा का अमल कहेंगे, जिसकी अलामत इस तरह से है, या जमा इस अलामत को हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ इस तस्वीर में हमें 2 प्लेट नजर आ रही है, जिसमें इस तरफ की प्लेट में 2 संतरे हैं, जबकि ये वाली प्लेट में 1 संतरा है। बच्चों, अगर इन संतरों को हमें 1 प्लेट में रखना है या 1 प्लेट में इन संतरों को इकट्ठा करना है, तब इस 1 प्लेट में कितने संतरे होंगे? शाबाश, इस 1 प्लेट में कुल 3 संतरे होंगे। इन संतरों को हमने यहाँ पर मिलाया है, उन्हें इकट्ठा किया है। बच्चों, मिलाने, इकट्ठा करने या एकजा करने के अमल को हम जमा का अमल कहते हैं। बच्चों, आज हम जमात अव्वल से मजमून रियाजी के सबक नंबर 19 आओ जमा करें के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे।